दोस्तों हिमालयन, हिमालयन इंडिया की सबसे पॉपुलर एडवेंचर बाइक में से एक है। जब भी मैंने फर्स्ट टाइम हिमालयन का एडवर्टाइज देखा था, तभी मैंने ठान लिया था कि यही बाइक लेना है, और मैंने लिया भी। थोड़ा वक्त लगा लेकिन ले लिया, और न जाने कितने राइड्स किए रहेंगे। इसी राइड्स के दरमियान मुझे जितने भी एक्सपीरियंस आए, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मैंने मेरे वीडियोज़ में शेयर तो किए हैं, लेकिन कभी मैंने निगेटिव बातें नहीं की। तो अभी बात यह है कि हम लोग जिस चीज़ से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस चीज़ को हम लोग ज़्यादा चाहते हैं, उसके बारे में कभी हम लोग निगेटिव बातें करते नहीं है, या फिर हम लोग को पता भी चले तो हम लोग इग्नोर कर देते। सो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने इतने वीडियो में अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन मेरे साथ जितने भी बुरे एक्सपीरियंस आए ये बाइक के बारे में, वो कभी मैंने शेयर नहीं किया। सो आज के वीडियो में मैं यही शेयर करने वाला हूँ कि ये बाइक में क्या कमी है। जब भी आप प्लान करोगे तो ये बातें, ये पांच चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखना कि हिमालयन में ये पांच चीज़ें ज़रूर प्रॉब्लम आपको देगी। तो बाइक खरीदने से पहले ये पांच बातें अगर याद रखोगे तो आपको फ़ायदेमंद होगी। आज ये हिमालयन यूज़ करते करते मुझे ऑलमोस्ट 3 साल पूरे हो रहे हैं, और ये 3 सालों में जितने भी एक्सपीरियंस आए वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इसके ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक क्लियरली बात बता देना चाहता हूँ कि मुझे किसी भी राइडर कम्युनिटी को या फिर हिमालयन लवर्स को हर्ट नहीं करना है। मैं खुद हिमालयन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा हिमालयन ने मुझे अक्सर साथ दिया है हर राइड में। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हिमालयन का सबसे बड़ा और बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम मैं तो बोल सकता हूँ, क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम जो है इससे आपकी कभी कभी जान भी जा सकती है, जो कि है रियर ब्रेक का प्रॉब्लम। मैंने 3 साल में ये एक्सपीरियंस ले लिया कि हिमालयन का रियर ब्रेक हमेशा फेल हो जाता है। आप में से भी किसी कोई भी अगर हिमालयन ओनर रहेंगे या फिर हिमालयन कभी चलाए रहेगा, और आपने घाट में कभी बाइक चलाई रहेगी या फिर स्लोप पे या फिर हाईवे पे, आपको अक्सर ये ध्यान में आया रहेगा कि हमेशा ऑटोमेटिकली रियर ब्रेक, आपका पीछे का ब्रेक जो है वो फेल हो जाता है। ब्रेक लीवर है वो अचानक से नीचे चले जाता है, पूरा नीचे चले जाता है, और ब्रेक लगना बंद हो जाता है। सो ये सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, 10-12 बार रियर ब्रेक पंप करना पड़ता है, उसके बाद वो आपका ब्रेक लगना चालू होता है। कभी कभी ये सक्सेस भी होता है, या फिर कभी कभी लगता भी नहीं है ब्रेक। सो ऐसे सिचुएशन में आपको फ्रंट ब्रेक पे, आगे के ब्रेक पे आपका बाइक कंट्रोल करना पड़ता है। सो ये आप बात ध्यान में रखो कभी भी हिमालयन लेने से पहले। ये मैंने हमेशा सर्विस सेंटर में बताया है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन सर्विस सेंटर वालों का रिजोल्यूशन एक ही रहता है, हाँ ये तो हिमालयन में प्रॉब्लम है ही, कुछ नहीं कर सकते उसका, बस यही आंसर मिलता है मुझे। सेकेंड प्रॉब्लम है कोन सेट का। सो जब मैंने बाइक लेने का डिसाइड किया था, तभी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला था कि ये गाड़ी मत ले, ये गाड़ी का कोन सेट का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हिमालयन लेने का डिसाइड तो मैंने किया ही था, इसके लिए मैंने हिमालयन लिया। लेकिन ऑलमोस्ट अभी 3 साल यूज़ करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस आ रहा है कि मेरे ऑलमोस्ट हर राइड के बाद मुझे कोन सेट चेंज करना पड़ता है। मुझे पता नहीं चलता है कि कोन सेट गया है कैसे। जब भी सर्विस सेंटर में जाता हूँ तो उन लोग बताते हैं कि कोन सेट गया है करके। सो ये कोन सेट आता है कम से कम 1200 रुपये का। सो आप ये याद में रखना कि हर राइड के बाद आपको कोन सेट डालना पड़ेगा, और मिनिमम 1200 रुपये आपका कोन सेट का खर्चा आएगा, उसके ऊपर लेबल चार्ज अलग। सो थर्ड प्रॉब्लम है टायर का, हिमालयन का टायर। अभी ये बहुत सिली सा प्रॉब्लम है ऐसा मुझे लगता है। इतना इंडिया में पॉपुलर बाइक, इंडिया के वर्ल्ड में फेमस बाइक, और इस बाइक का आपको टायर नहीं मिलता है। आप जब भी किसी शॉप में जाते हो, टायर के शॉप में जाते हो और पूछते हो हिमालयन का टायर चाहिए, आपको टायर नहीं मिलता, तो आपको बोलते हैं कि नहीं मंगाना पड़ेगा, टायर अवेलेबल नहीं है। सो ये सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस हुई। मैं आपको एक तो मंगाना पड़ेगा या फिर आपको वेट करना पड़ेगा सर्विस सेंटर से टायर आने के लिए। हिमालयन का टायर आजकल सिर्फ सीएट टायर ही बना रहा है। मुझे पता नहीं कि इंडिया में कौन से सिटी में ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन यहाँ पे मुंबई में तो ये मुझे प्रॉब्लम हमेशा फेस करना पड़ रहा है। सो आपको अगर आपके सिटी में अगर प्रॉब्लम आता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका सिटी कौन सा है और आपको भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या। सो चौथा प्रॉब्लम है मिरर का प्रॉब्लम। अभी ये इशू तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन रॉयल इनफील्ड अगर हिमालयन के लिए आपसे ऑलमोस्ट 3 लाख ले रहा है, तो हम लोग एटलीस्ट एक अच्छा क्वालिटी का मिरर तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अभी रॉयल इनफील्ड ने इतना घटिया क्वालिटी का मिरर दिया है, आप अगर 60 के ऊपर बाइक चलाते हो, तो 60 के ऊपर बाइक चलाने के बाद जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये मिरर नीचे हो ही जाएगा, आपका नीचे के साइड ही झुकेगा और आपको कुछ भी व्यू नहीं दिखेगा। ये मैंने बहुत बार हाईवे पे एक्सपीरियंस किया है, और ये बहुत ही डेंजरस है। आपको लेफ्ट साइड का व्यू कभी नहीं दिखता है, राइट का मिरर थोड़ा ठीक है, लेकिन लेफ्ट का एकदम बकवास है। सो पांचवा इसका प्रॉब्लम जो है वो है मीटर का एंड फ्यूल इंडिकेटर का। आप अगर अक्सर देखोगे, अगर बारिश के मौसम में बाइक बाहर लेके जाते हो, तो कुछ टाइम तक आपको मीटर में स्पीड, टाइमिंग, स्पीडोमीटर और फ्यूल इंडिकेटर कुछ नहीं दिखेगा। और सेकंड चीज़ इसका ये प्रॉब्लम है कि फ्यूल इंडिकेटर एग्जैक्ट फ्यूल कभी नहीं बताता। जब भी पेट्रोल भरोगे तो आपको हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी कि आपके गाड़ी में पेट्रोल कितना है, और बारिश के मौसम में जो फॉग पकड़ता है मीटर को, ये एक प्रॉब्लम है।
तो 2-3 महीने के बाद आपका मीटर जो है बाइक का वो शेक करना चालू हो जाएगा, मतलब इतना शेक करेगा कि आपका कुछ मतलब पूरा दिखेगा आपको गाड़ी चलाने के टाइम पे कि अंदर हिल रहा है। मेरा तो वारंटी में मैंने बाइक का मीटर चेंज करवाया, अभी ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं और कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आता है। ये मेरा पर्सनल इशू था, मैंने ये इसके ऊपर स्टडी नहीं किया है कि और कितने लोगों को मीटर का इशू आता है, बट मुझे तो आया था, मैंने रिप्लेस करवाया था। तो बस ये यही कुछ इशू थे जो मुझे हाईलाइट करने थे हिमालयन के बारे में। आप जब भी हिमालयन लेने का सोचोगे तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखना। और बाकी तो हिमालयन अपना फेवरेट ही है, हिमालयन में बाकी इसके अलावा कोई इशू नहीं आते। बहुत सारी राइड्स किए हैं मैंने, बहुत मज़ा आया राइड करने के टाइम पे। और भी राइड्स बाकी है, आपने अगर मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको राइड्स के अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आपको हमेशा वो मेरे वीडियोज़ में देखने को मिल जाएंगे। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। और अपना चैनल का नाम है रोहन द राइडर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के लिए आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमें बहुत खुशी मिलती है।